अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या रऊफ या रहीम। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी लम्हात इल्म व अमल के मर्ज अलबहरीन थे। कबा राइमा और सरगरो ताबीन में थे। हिजाज के हाथों जुल्माना शहीद होने से पहले हिजाज और आप रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान जो मुकालमा हुआ नहायत पुरतसीर और हक गोई का शाहकार है। कत्ल के लिए चमड़ा बिछाए जाने के बाद जब हिजाज ने कत्ल का इशारा किया तो हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इतनी मोहलत दो कि मैं दो रकअत नमाज पढ़ लूँ। हिजाज ने कहा कि अगर मशरिक की तरफ रुख करो तो इजाज़त मिल सकती है। फरमाया, कुछ हर्ज नहीं। मैंने एक होकर अपना रुख इस ज़ात की तरफ किया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं मुशरिकों में नहीं हूँ। हिजाज ने यह सुनकर हुक्म दिया कि औंधे मुंह गिरा दिया जाए। यह हुक्म सुनकर हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुकाते हुए ये आयत पढ़ी, इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में तुमको लौटाएंगे, फिर इसी में से तुमको दोबारा निकालेंगे, और कलमा शहादत पढ़ कर बारगाह अज़ीज़ती में दुआ की कि खुदाया मेरे कत्ल के बाद फिर इस हिजाज को किसी के कत्ल पर कादिर ना करना। जल्लाद शमशीर बरहाना मौजूद था। हिजाज के हुक्म से दफ्तन तलवार चमकी और आप रहमतुल्लाह अलैह का सर ज़मीन पर तड़पने लगा। ज़मीन पर गिरने के बाद ज़बान से आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला। इन मौल मोती या हय्यू या क्यू।